अस्सलाम वालेकुम जी, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़े की और सबकी फेवरेट शादियों वाले कस्टर्ड की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। और शादियों में हमें इतना ये मज़े का कस्टर्ड लगता है, हमें समझ नहीं लगती कि ये कैसे बनाया गया है। आज मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, बहुत इजी तरीके से बनाना बताऊँगी। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मज़ेदार सा शादियों वाला कस्टर्ड बनाने के लिए सबसे पहले मैं 1 किलो के जितना दूध ले लूँगी और इसको हल्का सा बॉयल आने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखें जी, दूध में बॉयल आ गया है। अब इसके अंदर मैं चीनी डालती हूँ और मैं आधा कप के जितना इसमें चीनी डालूंगी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेना। मैं यहाँ पे बना रही हूँ शादियों वाला कस्टर्ड, तो तकरीबन आधी प्याली के जितना इसमें मैं खोया डाल दूंगी। बिल्कुल जैसा हम शादियों में खाते हैं ये डालने से वैसा ही इसका फ्लेवर आएगा। 2 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह पका लूंगी ताकि ये जो खोया है अच्छी तरह दूध में मेल्ट हो जाए। यहाँ मैं खोया मेल्ट होने का वेट करती हूँ। और सबसे जो अहम बात वो ये कि आपने मेरी रेसिपीज बनाते वक्त घबराना नहीं है, बिना स्किप किए हुए आप मेरी वीडियोस देखें, इंशाल्लाह ताला आपकी चीज़ें भी ऐसी बनेंगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें। यहाँ पे देखें जी, खोया अच्छी तरह मेल्ट हो गया है और इसके अंदर मैं 1 प्याली मैंने दूध की ले ली थी, उसमें 2 टेबलस्पून भर के मैंने वनीला कस्टर्ड के डाल दिए थे, ये इसमें डाल दूंगी और उसको मिक्स करती जाऊंगी ताकि इसमें गुटलियाँ ना बने। कस्टर्ड पाउडर ज़्यादा नहीं डालना वरना उसका जो फ्लेवर है वह कस्टर्ड का अजीब सा हो जाता है ज़्यादा कस्टर्ड पाउडर डालने से। 2 टेबलस्पून मैंने डाले इसके अंदर आधी प्याली के अंदर। और यहाँ पे देखें, कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद तकरीबन 10 मिनट हो गए, मैं हल्की आग पे कस्टर्ड को बना रही हूँ। आग ज़्यादा तेज़ नहीं करनी, बिल्कुल हल्की आग पे इसको पका रही हूँ। अब यहाँ पे मैं चूल्हा बंद करती हूँ तो फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखें जी, मैं कस्टर्ड के ठंडा होने का वेट करूँगी और इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा करना है, फ्रिज में गर्म गर्म को नहीं रखना। और इसमें ऐसे हल्का हल्का चम्मच हलाती रहूँगी ताकि इसके ऊपर मलाई ना आए, मलाई मुझे नहीं चाहिए। जैसे ही ठंडा होगा तो फिर बाकी चीज़ें इसमें मैं डालती हूँ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखें जी, कस्टर्ड को मैंने अच्छी तरह ठंडा कर लिया है। अब इसके अंदर मैं क्रीम डालूंगी, तकरीबन आधी प्याली के जितनी इसके अंदर मैं क्रीम डाल दूंगी। गर्म के अंदर नहीं डालना, ठंडे के अंदर डालने लगी हूँ। और क्रीम को अच्छी तरह इसमें मिक्स कर लेना है। इसके साथ ही मैं कुछ टिन वाले फ्रूट डाल दूंगी। पानी मैंने इसमें से अच्छी तरह निकाल लिया था, इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर देना है। इसके साथ ही मैं कुछ फ्रेश फ्रूट डाल दूंगी। यहाँ पे मैंने बिल्कुल बारीक सेब काट लिए और केले काट लिए, इसको भी अच्छी तरह डाल के मिक्स कर लेना है। इसके साथ ही 1 प्याली के जितने प्लेन केक मैंने ये इसमें डाल दूंगी, इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अब इसको मैं डिश आउट करती हूँ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखें जी, मज़ेदार सा हमारा शादियों वाला कस्टर्ड बनके तैयार हो गया है। शादियों का भी सीज़न आ गया, आप लोग घर में बनाएं, इसको एंजॉय करें और मुझे कमेंट्स में बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही है। और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला मैं एक और वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।